हेलो मिजान, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम बेटा। अब मिजान मेरी जॉब छूट गई है। बेटा कैसे? अब मिजान मुझे मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया है। बेटा वो ऐसे कैसे निकाल सकता है? आपने कुछ गलत काम किया होगा, उन्होंने अभी तो निकाला है। नहीं अम्मी, मैनेजर ने मुझे बिना वजह ही निकाल दिया है। नहीं बेटा, आप अपने मैनेजर से बात करिएगा। मैंने मिजान तेरे पे मान नहीं रहा यार, अम्मी मेरे पे बहुत कर्ज दे रहा है, आपको प्लॉट बेचने पड़ेंगे। नहीं मैं प्लॉट नहीं बेचूंगी। अम्मी यार मेरे पे तो बहुत कर्ज हो रहा है, आपको बेचने पड़ेंगे। चलो बेटा ठीक है, मैं देखती हूँ। अम्मी मैं आ भी रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा खुदा। अम्मी आपको क्या हुआ? बेटा बस कुछ भी, आपके भाई आने भी वाले होंगे और उनकी जॉब भी छूट गई है। मम्मी भैया आ गए हैं। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम बेटा। जा चलिए मोहल्ले में मिठाई बांटने चलते हैं। ठीक है बेटा चलिए चलते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। किसी का मिठाई? किस चीज़ की मिठाई? हमारे बेटे की जॉब लग गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाइए बेटा, आप दोनों खा लीजिए। भैया आप भी खा लो। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा मैं आपको क्या खिला सकती हूँ? आपको तो हमारे घर के हालात पता है कितने बुरे हो चुके हैं। मैं आपको ऐसे कुछ भी खिला सकती हूँ। बेटा आप ये मिठाई खा लीजिए। ठीक है मम्मी। ठीक है। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कब आए आप? जी मैं अभी आया हूँ, घर पे कोई नहीं था। अच्छा बेटा मिठाई बांटने के लिए गए थे। जी ठीक है। सलाम अलैकुम भाई। बेटा हमें लगता है कि हम अपने पड़ोसी के लिए खाना लेकर चलना चाहिए, उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ठीक है बेटा। क्या हो गया मां? अम्मी किसके? वो जो बेटा हमारे घर के सामने रहते हैं ना, उनके बेटे की जॉब भी छूट गई है। हमें जान, जब उन्होंने हमारी मदद नहीं करी तो हम क्यों करें उनकी मदद? बेटा नहीं ऐसे नहीं कहते, पड़ोसी का फर्ज होता है दूसरे पड़ोसी की मदद करना। माम साहब शादी का इस्लाम का इरशाद है कि पड़ोसियों के साथ नेक बर्ताव करने से मसलन रिस्क में इजाफा होता है, उम्र में इजाफा होता है, आबादी और तरक्की के लायक होता है। ठीक है बेटा, हमें उनके लिए खाना लेकर चलना चाहिए। जी हमें चलिए चलते हैं खाना लेकर। जी सलाम अलैकुम। सलाम भाई, ठीक हो? जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं। भाई मैं भी ठीक हूँ। भाई आपकी जॉब लग गई थी सुनने में आया था। जी भाई। भाई मुझे आपसे थोड़े पैसे चाहिए थे। जी भाई आप ले लेना। भाई शुक्रिया। भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं है, परेशानी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का काम आता है। भाई मुझे माफ कर देना, जब आपने मेरे से पैसे मांगे थे मैंने मना कर दिया था। भाई कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी ना मांगिए, खुदा से माफी मांगिए। क्या हुआ है आपको? आप रोइए मत। आप हमें माफ कर लीजिए, जब आपके घर पर ऐसे हालात आए थे तो हमने आपके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की थी। जब आपके घर पर ऐसा टाइम आया था तो हमने आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा था, और हमने आपको जब हम आपके घर पर गए थे तो हमने आपको गिरा दिया था। नहीं नहीं आप हमसे माफी मत मांगिए, बस अब आप खुदा से माफी मांगिएगा, आप खुदा ही आपको माफ करेगा। जी मम्मी मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरी आपने। बेटा आप स्कूल जाना छोड़ दीजिए, अब